दोस्तों, राजनीति कभी एक करवट नहीं बैठती है। चुनाव में किसी को हल्के में लेना कब भारी पड़ जाए यह कहा नहीं जा सकता। गुरुवार को मंडी में आयोजित कांग्रेस की जनसभा से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। कांग्रेस प्रत्याशी आश्रय शर्मा के नामांकन अवसर पर सेरी मंच पर जहां भाजपा नेताओं की उम्मीद से अधिक भीड़ उमड़ी, वहीं कई महीनों बाद पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह, पंडित सुखराम और पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा एक साथ मंच से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश भर गए। सेरी मंच पर भाजपा कांग्रेस रैलियों के बाद यह तो साफ हो गया है कि इस बार पिछले चुनावों की तरह मंडी सीट पर कड़ा मुकाबला होने वाला है। वही मंडी संसदीय सीट से अपने पोते आश्रय शर्मा की ओर से नामांकन भरने के बाद जनसभा में 93 वर्षीय पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित सुखराम तो मंच पर फूट फूट कर भी रो पड़े। अपनी अंतिम इच्छा और पोते को जिताने के लिए उनके आंसू निकल आए। जनसभा में अपने दादा को रोते देख वह अपने पिता अनिल शर्मा की याद में आश्रय शर्मा भी रोए। वहीं पंडित सुखराम ने मंच से पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से माफी मांगी। उन्होंने कहा कि मैं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से पोते के लिए टिकट दिलाने में असफल रहा, लेकिन वह मेरी भावनाओं को समझ नहीं पाए। आज आश्रय शर्मा को पिता का आशीर्वाद तो है, लेकिन वह आज साथ नहीं आ सके, इसका मुझे अफसोस है क्योंकि वह भाजपा के सदस्य हैं। पिता का बेटे के लिए आशीर्वाद कोई नहीं रोक सकता। इतना कहते ही वह फूट फूट कर रोए और पोते के लिए टिकट दिलाने पर राहुल गांधी का आभार जताया। उन्होंने मंच से ही वीरभद्र का नाम लेकर माफी मांगते हुए कहा, मुझसे अगर भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा करना, क्योंकि मेरी भावनाएं कोई नहीं समझ सका और आपने दिल्ली में मेरा साथ दिया। पंडित सुखराम ने जनता से भी मंच से माफी मांगी और कहा, मेरी भूलों को क्षमा करें।